एपिसोड के स्टार्ट में हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे लेटर्स को देखकर बता रहा होता है कि ये पाए है, जहां पर अपनी टीम ये देखकर शॉक होती है कि भला आर्थर को पाए के बारे में कैसे पता है। और इसके बारे में वो अपने आर्थर से भी पूछते हैं तो आर्थर बताता है कि वो एक नाइट किंग है, इसलिए उसे इस पाए के बारे में पता है। जहां पर इतने सारे लेटर को देखकर अपना विक्टर सोच रहा होता है कि यदि वो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने में लग जाएगा तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए क्यों ना वो सारे डेटा को कलेक्ट कर इसे टोक्यो लेकर जाए और वहां इसके बारे में एनालाइज करे। इस बारे में सोचकर वो अपने कैमरा से सारे स्टोन टैबलेट के फोटो लेने लग गया होता है। वहीं ल्यूटेंट पान विक्टर से पूछता है कि क्या सच में ये चीज पाए है और क्या इन स्टोन टैबलेट की हेल्प से टैबरनेको को स्टार्ट किया जा सकता है और क्या टैबरनेको पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकती है। जिस पर विक्टर कह रहा होता है कि सिंपली देखने में ये चीजें ऐसी तो नहीं लगती, पर यदि इन स्टोन टैबलेट को इन्फर्नल जमा कर रहे थे और यदि सच में इससे टैबरनेको को स्टार्ट किया जा सकता है तो इसका मतलब वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके बाद हमें सिंड्रा को दिखाया जाता है जो कि अडोला लिंक से कनेक्ट हो गया होता है और उसे ब्लैक ड्रेस वाली लेडीज नजर आती है। इसी बीच रियल टाइम में उसके ऊपर काफी सारे इन्फर्नल अटैक कर देते हैं और यहाँ पर शिनरा खतरे में पड़ गया होता है, इसलिए ओगुन यहाँ बीच में आता है और अपने शिनरा को बचा लेता है। पर साथ ही साथ वो शिनरा के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि वो फाइट के बीच में कहाँ पर खो गया था, इसके लिए शिनरा उससे माफी मांगता है। इसी बीच काफी सारे इन्फर्नल तुमकी और जगन्नॉट को घेर कर खड़े हो गए होते हैं, जहां पर जगन्नॉट काफी ज्यादा डरा होता है। तुमकी यहाँ पर अपने पावर का यूज करती है, साथ ही साथ वो प्रेयर भी स्टार्ट कर देती है और इन्फर्नो का काम तमाम करने लग गई होती है। जहां पर उसे प्रेयर करता हुआ देखकर अपनी टीम फायर अप हो गई होती है, जहां पर सबसे पहले ओगुन अपनी पावर का यूज करता है और सारे इन्फर्नल के ऊपर काफी सारे स्पीयर बरसाने लग गया होता है। इस चीज को देखकर अपना सिंड्रा भी आगे आता है और वो अपने स्पिनिंग किक का यूज कर इन्फर्नल का काम तमाम कर देता है। जिस चीज को देखकर डीमन इन्फर्नल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके सारे साथी मारे जा रहे होते हैं और ये सब स्टार्ट होता है तुमकी के प्रेयर करने की वजह से, जिससे डीमन इन्फर्नल को लगता है कि इन सब के पीछे इस लड़की का हाथ है, इसलिए वो काफी गुस्से से तुमकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर तुमकी के पास भी कोई चारा नहीं बचता और वो मरने की कगार पर पहुंच गई होती है। इस चीज को देखकर जगन्नॉट बीच में आ गया होता है और यहाँ पर डीमन इन्फर्नल का हाथ जगन्नॉट के आर पार हो गया होता है। इस चीज को देखकर अपना सिंड्रा आकर डीमन इन्फर्नल को एक किक मारता है और वहां पर वो लोग काफी ज्यादा परेशान होने लग गए होते हैं क्योंकि जगन्नॉट बीच से बिल्कुल दो टुकड़ों में ऑलमोस्ट बट गया होता है और वो सोच रहे होते हैं कि अब वो कैसे जगन्नॉट को बचाएंगे। जहां पर जगन्नॉट कह रहा होता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा डरता है, इसके चलते ही वो ऐसी टेक्निक यूज करता है जिसके चलते ही वो अपने आउटफिट के अंदर काफी सारे और आउटफिट पहन के रखता है और उन आउटफिट के साइड में वो जाकर छिप जाता है, जिसकी वजह से यदि कोई उसे सेंटर में अटैक करे या आई साइड भी तो वो मरेगा नहीं। पर इसी बीच काफी सारे इन्फर्नल डॉग आकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और जगन्नॉट के चिथड़े उड़ा देते हैं, जिससे अपनी टीम अब काफी परेशान हो गई होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो जगन्नॉट नहीं बचा होगा। इसी बीच जगन्नॉट अपनी दूसरी आउटफिट को निकालता है और वापस से सही सलामत हो गया होता है, जिससे अपनी टीम को लगता है कि जगन्नॉट यहाँ पर तो बिल्कुल एक इमॉर्टल कैरेक्टर की तरह है। वहीं इस चीज से डीमन इन्फर्नल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी एक्स निकालता है और अपने आप को पावर अप करने लग गया होता है, जहां पर इससे वहां पर काफी ज्यादा हीट बढ़ गई होती है। और वहीं पर जब डीमन इन्फर्नल अपना एक्स जमीन में मारता है तो उससे बिल्कुल आग की एक लहर वहां पर फैल गई होती है, जिससे अपनी टीम को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वहीं उसे रोकने के लिए अपना सिंड्रा रॉक एंड साइन का यूज करता है और अपने पावरफुल मूव कॉर्नर से उस डीमन इन्फर्नल के ऊपर अटैक करता है, पर उसके इतने पावरफुल मूव के बावजूद भी उस डीमन इन्फर्नल को चोट भी नहीं पहुंची होती है। इस चीज को देखकर अपना सिंड्रा काफी ज्यादा चिंता में आ गया होता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल मूव कोरोना का यूज किया होता है, पर इसके बावजूद भी वो उस डीमन इन्फर्नल को स्क्रैच तक नहीं पहुंचाया होता है। वहीं पर ओगुन आकर उससे कहता है कि यदि उनने जल्द से जल्द इस डीमन इन्फर्नल को नहीं रोका तो यहाँ पर वो लोग मारे जाएंगे, साथ ही साथ पूरा जंगल भी तबाह हो जाएगा। इसी बीच अडोला लंग से लेडी सिंड्रा को कहती है कि वो इस जंगल को बचा ले, जिस पर सिंड्रा कह रहा होता है कि यहाँ पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है पर इसके बावजूद भी शायद वो इस जंगल को नहीं बचा पाएगा क्योंकि उसके पास जितनी पावर है उस
पावर से वो इस डीमन इन्फर्नल को नहीं हरा पाएगा, इसलिए यहाँ पर शिनरा उस अडोरा लिंक वाली लेडी से ही मदद मांग रहा होता है ताकि वो इस डीमन इन्फर्नल को हरा कर इस जंगल को बचा सके। अदर साइड हमें अंदर की टीम को दिखाया जाता है जो कि टैबरनेकू के कोर तक पहुंच गई होती है और वहां जाकर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि उस टैबरनेकू के अंदर से किसी इंसान के हार्ट बीट की आवाज आ रही होती है और इस चीज से वो लोग श्योर हो गए होते हैं कि इसके अंदर वही लेडी है जो कि अपने सिंड्रा से अडोला लिंक के थ्रू कनेक्ट हो रही है और साथ ही साथ वो अडोला लिंक की पावर को इमिट करती है। इसका मतलब इस कोर के अंदर भी काफी ज्यादा पावर है, बिल्कुल अमातरासु की तरह ही। वहीं पर उन्हें काफी सारे एरो नजर आते हैं जिसमें से एक एरो की होल में लगा होता है और टोटल गिनने में वो एरो 8 होते हैं। इस चीज को सुनकर अपने विक्टर का दिमाग ही फट गया होता है क्योंकि उसे सारी चीज समझ में आ गई होती है क्योंकि ये 8 एरो 8 पिलर की तरह काम करते हैं, जैसे कि अपना सिंड्रा है और वैसे ही 8 पिलर हैं जिसे कि एवेंजर्स के लोग ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही जब एवेंजर्स को वो 8 पिलर मिल जाएंगे तो उनसे वो अमातरासु जैसी चीजों के अंदर के कोर को खुलवाएंगे, वो भी 8 चाबियों के हेल्प से। पर जब भी वो चाबियों का यूज करेंगे उन पिलर के ऊपर, इसका मतलब वो पूरे 8 पिलर को सेक्रीफाइस करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ये चीज अपने विक्टर को अंदर से हिला देती है पर इसके बारे में वो ल्यूटेंट पान को नहीं बताता और जब ल्यूटेंट पान पूछते हैं कि डरा हुआ क्यों है तो वो सारी बातों को घुमा देता है। अदर साइड हमें शिनरा को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यू अडोला लिंक से कनेक्ट होकर लेडी से हेल्प मांग रहा होता है इस डीमन इन्फर्नल को हराने के लिए। इस चीज को देखकर ओगुन अपने शिनरा से कह रहा होता है कि फाइट के बीच में वो कहां पर खो गया क्योंकि इस डीमन को हराने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, जिस पर अपना शिनरा कहता है कि वो चाहकर भी इसे नहीं हरा सकते, इसलिए उन्हें थोड़ा सा उसे टाइम देना होगा और उसे डिफेंड करना होगा। तब तक वो अडोला लिंक से कनेक्ट होकर लेडी की पावर उसे ले सके, तब जाकर ही वो शायद उस डीमन इन्फर्नल को हरा पाएंगे। जिस बात को सुनकर ओगुन हंसने लग गया होता है और कहता है कि उसे जितना भी टाइम चाहिए वो उसे देगा पर उसे जल्दी करना होगा। ये बोलकर ओगुन अपना शर्ट उतारता है और वो अपने फ्लेमिंग इंक का यूज करता है जिसके चलते ही उसकी बॉडी बिल्कुल एक लावा की तरह बन गई होती है। वहीं ओगुन को देखकर तोमकी को समझ में आता है कि जब उसे बताया गया था कि फायरफोर्स कंपनी 1 के कैप्टन बांस की तरह एक स्टूडेंट के पास पावर है, इसका मतलब वो स्टूडेंट ओगुन था। वहीं पर हमें ओगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लेमिंग इंक की पावर को एक्टिवेट करने के बाद काफी ज्यादा फास्ट हो गया होता है। इसके चलते ही वो काफी तेजी से जाकर डीमन इन्फर्नल के ऊपर अटैक करने लग गया होता है और वो उसे अटैक करने का मौका नहीं दे रहा होता क्योंकि यहां पर उसे समझ में आ गया होता है कि यदि उसने डीमन इन्फर्नल को थोड़ा सा भी टाइम दिया तो वो वापस से अपने आप को प्रिपेयर करने लगेगा और अपने पावर को स्ट्रांग कर यहां पर तबाही मचा देगा, जिसके चलते वो लोग भी मारे जाएंगे और ये जंगल भी तबाह हो जाएगा। इसलिए यहां पर ओगुन बिना मौका दिए हुए उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है और यहाँ पर वो डीमन इन्फर्नल को इतना कूटता है कि वो उसे कूट कूट कर उसकी चटनी बना देता है। पर इतना पीटने के बावजूद भी डीमन इन्फर्नल नहीं मर रहा होता। जहाँ पर जैसे ही ओगुन ओवरहीट हो गया होता है तो यहाँ पर डीमन इन्फर्नल को टाइम मिल गया होता है खुद को प्रिपेयर करने का। इस चीज को देखकर तुमकी बीच में आती है और वो अब लड़ने के लिए प्रिपेयर रहती है, जहां पर वो अपने जगरनॉट से हेल्प मांगती है पर जगरनॉट की फटके 64 हो गई होती है, इसलिए तुमकी जाकर अकेले ही उस डीमन इन्फर्नल से फाइट करती है और उसे उठाकर जगरनॉट के ऊपर फेंकती है, जहां डर के मारे जगरनॉट अपनी पावर का यूज कर उस इन्फर्नल की हालत खराब करता है। पर वहीं पर उसका एक अटैक जंगल से जाकर टकराता है। इस चीज को देखकर मोल अपने जगरनॉट के ऊपर गुस्सा होने लग गया होता है। वहीं एक बार फिर से ओगुन लड़ने के लिए तैयार रहता है पर तोमकी उसे मना करती है क्योंकि ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से उसकी बॉडी राख हो जाएगी। पर ओगुन कहता है कि वो लड़ना रोक नहीं सकता क्योंकि यदि उसने डीमन इन्फर्नल को थोड़ा सा भी टाइम दिया प्रिपेयर होने का तो वो अपनी पावर का यूज कर यहाँ पर तबाही मचा देगा। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद वो ज्यादा ओवरहीट हो गया होता है, इसलिए अब वो अपने शिनरा से हेल्प मांग रहा होता है। जिस पर हमें शिनरा को दिखाया जाता है जो कि अडोला लिंक से कनेक्ट होकर उस लेडी से कह रहा होता है कि यदि वो चाहती है कि वो इस जंगल को बचा ले तो उसे अपनी पावर उसे देनी होगी। जिस पर वो लेडी कहती है तो वो अडोला की पावर सिर्फ उसे 1 सेकंड के लिए दे सकती है और उसे लगता है कि शिनरा 1 सेकंड की पावर लेकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस पर अपना शिनरा स्माइल करते हुए कहता है कि 1 सेकंड की पावर काफी ज्यादा है उस डीमन इन्फर्नल को मारने के लिए और वहीं पर वो उसे पावर दे पाती। इसके पहले ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। बट क्या शिनरा उस लेडी से 1 सेकंड की पावर लेने के बाद उसका अच्छे से यूज कर भी पाएगा और वो किस तरीके से इस पावर का यूज करेगा और अपने फ्रेंड और इस जंगल को बचा पाएगा, इस चीज का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। जिसे आप मिस आउट नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो पर लाइक कमेंट और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सो टाकुस, अगली मुकल्लात आपसे जल्दी होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।